हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को पूरा जीरो लेवल से कैसे मिस्त्री का काम करते हैं वो बताने वाले हैं। क्या क्या चीज़ चाहिए एक मिस्त्री को काम करने के लिए, वही सब जानकारी आप लोग को देने वाले हैं हम लोग। वीडियो में बनाए रहिए। चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ वही चीज कि क्या क्या चीज़ चाहिए आप लोग को मिस्त्री का काम करने की। तो सब चीज़, सब डिटेल आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, क्या चीज़ कौन सा टाइम पे लगता है, वही आप लोग को मैं सब बताने वाला हूँ। वीडियो में बनाए रहिए दोस्तों। अभी ये देखिए, मेरे सामने ही रखा हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए। ये है अपना मास्टर टैप भी है, एक बड़ा टैप है और ये थापी है, छोटा थापी। इसके बाद ये थोड़ा बड़ा है, इससे ये थोड़ा छोटा है और एक थापी है क्योंकि, और लाइन डोरी भी है। तो सब कुछ है हमारे पास और एक दो सामान मेरे पास है नहीं, वो मैं काम पे रख के आ गया हूँ तो आप लोग को दिखाना नहीं पाऊँगी। वो मैं आपको उसका एक फोटो भी वीडियो में मैं लगा दूँगी, आप देख लेने का। पट्टी बोलते हैं और कुछ बहुत कुछ सामान है, वो सब सामान आप लोग को मैं इसी, कौन सा चीज़ कहाँ लगता है, क्या चीज़ कहाँ ज़रूरत पड़ता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग को बांध काम करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी देखिए, लाइन डोरी का ज़रूरत पड़ेगा आपको और दो टैप का ज़रूरत पड़ेगा, एक बड़ा टैप 50 फुट का और एक जो 3 मीटर वाला या 5 मीटर वाला जो है वही में उसी में आपको करना पड़ेगा। और साउल का जो ज़रूरत पड़ेगा, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर कहीं चौनाई का करने जा रहे हो या बांधकाम करने जा रहे हो तो इसका जो ज़रूरत तो रहेगा, इसके बिना आप चौनाई नहीं कर पाओगे, आपका काम ही नहीं होने वाला है। और इसके बाद दो थापी की ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को। इतना सामान आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर कहीं चुनाई करने जा रहे हो। अगर आप लोग अगर प्लास्टर में जा रहे हो, अगर प्लास्टर का करने जा रहे हो तो सॉल ज़रूरत पड़ेगा और थापी का जो ज़रूरत पड़ेगा आपको, और दो छोटा थापी का ज़रूरत पड़ेगा। अगर कहीं डिजाइन है, डिजाइन का अगर प्लास्टर का करने जा रहे हो, डिजाइन बनाने जा रहे हो तो इससे और भी छोटा थापी आता है, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर डिजाइन वाला काम करो। और मुखिया का जो ज़रूरत पड़ेगा, मुखिया का बिना आप लोग प्लास्टर ही नहीं कर पाओगे, माल को फिनिशिंग कैसे करोगी। और आपको ज़रूरत पड़ेगा पत्रा का, ये पत्रा का भी ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पत्रा मारा जाता है, अगर गांव में काम कर रहे हो तो पत्रा मारा जाएगा, अगर गांव में नहीं काम कर रहे हो तो आपको अगर कहीं महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली में काम कर रहे हो तो इसका, अगर आप लोग बाहर वाला अगर प्लास्टर कर रहे हो बाहर वाला, तो ये बाहर वाला में मास्टर मारने के बाद इसका ज़रूरत पड़ता है। सीमेंट पानी मार के इसको ऐसे घुमाया जाता है, एकदम हल्का हाथों से ऐसे घुमाना पड़ता है। तो इसमें क्या है ना, ये देखिए, ये जो खड्डा दिख रहे हैं ना आप लोग, एक जो खड्डा दिख रहे हैं इधर हर बाजू है, देखिए इसका दाना निकलता है, ये प्लास्टर का दाना निकलेगा इसका। और अभी अगर आप गांव में काम कर रहे हो या कहीं दूसरा सिटी में काम कर रहे हो तो हर सिटी में अलग अलग काम होता है। और पट्टी का ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को,
इतना सामान का जरूरत बनने वाला है। और एक चीज और, एक मशीन आता है वो अपना सीमेंट तारी लगा के, सीमेंट पानी मार के, जो भी अभी सपोज कीजिए कि बाहर वाला प्लास्टर कर रहे हो तो मुठिया मारा, इसके बाद ऊपर तारी लगता है, इसके बाद वो मशीन को ऐसे घुमाया जाता है। वो मशीन भी आप लोग को मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग को दिख रहा होगा, फोटो में लगा दूंगी। इतना इतना सामान का जरूरत है। अगर आप लोग को सीखना है, जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसा ऐसा जानकारी आप लोग को इसी चैनल पे मिलता रहता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देने का, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ले तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।